So hey guys, my name is Naman Palewal and I am from Notox. I welcome you in the next episode of Placement Talks. Guys, आज हमारे साथ हैं शुभ शुक्ला बॉस, जो कि रिसेंटली भी एलन में प्लेस हुए हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग शूट कर रहे हैं हैप्पी कोना कैफे के अंदर. ये कैफे आर के पुरम के अंदर है. बिग शाउट आउट टू देम एंड यू कैन विजिट अस. नाउ बॉस, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर मैनर, लाइक जैसे आप बताते हो ना हम लोगों को, वैसे बताओ. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभ शुक्ला. शुभ बॉस के नाम से बुलाते हैं मेरे को. सो पहले स्टार्ट करते हैं, और सबकी जर्नी स्कूल से स्टार्ट होती, तो मैं भी वहीं से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ. मैंने DAV से मेरी सीनियर सेकेंडरी दोनों करी है एजुकेशन. देन फिर आए RTU के अंदर, यहाँ हमारा सफ़र शुरू हुआ. हमने आप इंजीनियरिंग करी, मैंने इलेक्ट्रिकल के अंदर. फाइनल ईयर में आ गई देखते ही देखते, और अब हम प्लेस भी हो चुके हैं. सो अ बिग थैंक टू माई कॉलेज. एंड प्लेसमेंट के साथ साथ यूँ ही नहीं, मुझे सिर्फ एक जगह प्लेसमेंट दिया है, कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है. शुरुआत करते जैसे कि मेरा प्लेसमेंट हुआ आइलैंड के अंदर एज ए फैकल्टी इन फिजिक्स फॉर IIT इन JEE. देन मेरा प्लेसमेंट हुआ है एक कैप जेमिनी के अंदर एनजायरो एजुकेशन. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज वी से, मेरा एक प्लेसमेंट हुआ है विप्रो के अंदर. सो हियर इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन. बस ये चार कंपनीज जो आपकी हुई हैं, है ना, इससे चार इंजीनियरिंग लॉन्डो को जॉब मिल जाती है. और आपने एक, मतलब आपके पास चार ऑफर लेटर्स हैं रिसेंटली. सो जब तीन जॉब्स आपकी लग गई और जब चौथी एलएन लगी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? वी ऑल नो के फर्स्ट जॉब की बात कुछ अलग ही रहती है, ये हम सबको पता है कि पहली बार आपको पता चलता है, आपकी फैमिली को पता चलता है कि यार लग गया लड़का हमारा भी जी, तो वो बात अलग थी. उसके बाद मेरा लास्ट ऑफर लेटर था वो एलन से था, तो उसकी खुशी ये थी क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी खुश थे. बिकॉज एलन इज अ ड्रीम जॉब फॉर मी, बिकॉज सिंस 11th, व्हेन आई वाज इन 11th क्लास आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE फ्रॉम एलन इटसेल्फ. वहाँ से मैंने सोचना शुरू करा कि यार नहीं, एलन ज्वाइन करना है. एक टीचर को क्या होता है, एक टीचर वहाँ मैंने जाना है, एक रेपुटेशन क्या होती है टीचर की वहाँ मैंने जाना, तो वो बचपन से इच्छा थी. तो रिएक्शन ऐसा था कि यार जो चाहते थे वो मिल गया, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू. एग्जैक्टली. सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है ना, और आप लोग अभी फाइनल ईयर है, लास्ट टाइम आई गेस. सो हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं टेक जॉब्स के लिए, है ना, ITCS, और हम लोग, और आप लाइक नॉन टेक्निकल जॉब में जा रहे हो, एजुकेशन फील्ड में जा रहे हो, तो इसका क्या रीज़न है कि आप अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो? जनरली आजकल देख रहे हैं कि एवरीवन आर सेइंग IT सेक्टर बूम पे है, IT के अलावा कहीं जॉब्स ही नहीं है. Exactly. सब ब्रांचेस खत्म हो चुकी है. या बट इन अ रियल वर्ल्ड दैट्स नॉट द केस, बिकॉज हम देखेंगे हाँ IT अच्छा ग्रो कर रहा है, बट अभी आज जैसे मैंने एलन में करा, क्यों करा, बिकॉज आई नो अबाउट एलन. जनरली वी टॉक अबाउट कॉरपोरेट कल्चर, बट वॉट आई लर्न इन एलन इज कल्चर्ड कॉरपोरेट. एलन अपने आप में एक परिवार की तरह अपने ट्रीट करता है अपने एम्प्लॉयज को, प्लस एक पैशन की भी बात होती है. आप IT फील्ड में जा रहे हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, आपका इंटरेस्ट है आप जाओ, बहुत कुछ है वहाँ पे भी पैसा, और आपका जहाँ हर जगह पैसा है जहाँ आपका इंटरेस्ट है. आप अपनी स्किल्स दिखाओ आपको पैसे मिलेंगे, पैसा नहीं है. लेकिन मेरा पैशन था कि नहीं मुझे एलन में जाना है, मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी जहाँ मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूँ, तो उनको ग्रो करते हुए देखूँ कि मैंने अपनी मेहनत करी इस बच्चे पे, बच्चा ग्रो कर रहा है अब, तो इसलिए मैंने आइलम ज्वाइन करा. ओके, सो लाइक आपका विजन था वो ना, एक वो विजन कि वो टेक जॉब्स में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. एंड जो एक मैंने जो पर्सनली 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं नोटॉक्स पे, और जो मैं अपने सीनियर्स का एक्सपीरियंस जानता हूँ जो जॉब्स में गए IT जॉब में, दे यूज्ड टू से कि नमन डोंट गो विद, लाइक वो कहते हैं कि करना है तो करो, बट अगर आप टेक जॉब्स में जा रहे हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी. हाँ, अगर आप कोडिंग में अगर आपकी क्रिएटिविटी है तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगी, बट अगर हम टेक के अलावा कहीं जा रहे हैं, तो अगर आपका विजन कुछ और है, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है. क्रिएटिविटी बढ़ती तो है, बट हर जगह के लिए पॉसिबल नहीं है. क्रिएटिविटी है, बट क्या आपके लिए वो है काम की? एग्जैक्ट. मीन्स आपको देखना पड़ेगा ना कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता इसके साथ में, मेरे को कुछ और चीज़ें भी देखनी, अगर मैं इस जॉब के लिए परस्यू करता हूँ शायद मैं ग्रो नहीं कर पाऊँ. तो आपको एक तो शायद हटाना पड़ेगा हर चीज़ से पहले. आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यूँ नहीं कि यार इसने कहा कि यार IT कंपनी में हो गया मतलब लाइफ सेट है, यहीं जॉब करनी है अपने को, नहीं है वो शायद केस आपके लिए नहीं हो. आप उससे डिफरेंट हो सकते हो, और आप डिफरेंट हो, तो इसीलिए हमेशा आप फोकस करो हाँ मैं इस चीज़ में ग्रो कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी का यहाँ इतनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ जहाँ मैं कहीं नहीं कर सकता. सो व्हाई नॉट परस्यू फॉर दैट, दैट इज़ अ सिंपल थिंग. या दैट्स ग्रेट. सो बॉस, माय फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई फॉर एलन? हाउ टू अप्लाई फॉर एलन, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग एंड द फर्स्ट स्टेप. लाइक एलन के अंदर, एलन ने वेबसाइट बना रखी है एलन करियर्स के नाम से. उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन करना पड़ता है, आपको अपने पूरे बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है, लाइक योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर एड्रेस, योर आधार कार्ड एंड ऑल द थिंग्स. देन उसके बाद में आपके वो एक काम खत्म हो जाता है. फिर एलन ओपनिंग्स निकालता है, लाइक ओपनिंग्स फॉर 1000 पीपल इन विच अलग अलग तरीके से, लाइक डिजिटल के लिए अलग है, एलन ओवरसीज के लिए अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, ट्रेनीज के लिए अलग है, एक्सपीरियंस फैकल्टी के लिए अलग है.
तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर उसमें अप्लाई करना पड़ता है. जनरली ये ओपनिंग जो निकलती है वो जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच में निकलती है. सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. इसका ध्यान रखते हो आप, जैसे ही अप्लाई करेंगे देन आपके पास में एडमिट कार्ड आएगा, आपका एग्ज़ाम होगा. जो मेरा एग्ज़ाम था, मैंने एग्ज़ाम दिया था फॉर फिजिक्स फैकल्टी फॉर जेईई नीट. देन उसके अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस. उसके अंदर 70 क्वेश्चंस आते हैं आपके फिजिक्स के, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 10 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड. ये करने के बाद में आपका रिजल्ट आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. आफ्टर दैट यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एलन दैट योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड एट दैट डेट. आपको वहाँ जाना पड़ेगा. आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई फाइल रेडी करके जानी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट जो जो वो मेंशन करते हैं, लाइक योर आधार कार्ड, द कॉपी ऑफ द ईमेल एंड ऑल द थिंग्स, योर फोटोज, योर बैंक डायरी, ऑल दिस स्टफ यू हैव टू कैरी विद यू व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू. देन आप जाएंगे वहाँ पे, सबसे पहले पैनल बैठा रहेगा. द पैनल कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 टीचर्स और मे बी यू कैन से द एचआर डिपार्टमेंट मेंबर्स. आफ्टर इट दे आस्क यू अबाउट योर सेल्फ, जनरल क्वेश्चंस. Why are you interested in teaching job? If you are an engineer, still you are joining Allen as a teacher. What's the need of it? Are you passionate about it? Just simple questions. After that, they ask you to teach something to them. Like आपको कुछ भी बोल देंगे कि हमें आप पढ़ाइए जो आपकी पसंद का टॉपिक है. तो आप ब्लैक बोर्ड रहेगा वहाँ पर, आपको सब मिलेगा, आपको वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा. They will ask first question कि हमें आप इसका आंसर दीजिए. अगर आप उसके सही होता है देन आपको बोलेंगे वी विल टच विद यू विद इन 14 days. 14 डेज के अंदर आपका ईमेल आ जाएगा दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर एलन और नॉट. ओके, सो बॉस मैं मतलब आपका जो प्रोसीजर जो आपने बताया, पहला है आपका आपने फॉर्म फिल किया, एग्जैक्टली एडमिट कार्ड मिलता है, देन आप अप्लाई करते हो फॉर द एग्जाम, रिटन एग्जाम ना, एंड देन आपका थर्ड होता है इंटरव्यू, यू कैन से डेमो है ना. तो जो सेकंड प्रोसेस है जो रिटन जो एग्जाम है वो हम मान सकते हैं एडवांस के लेवल का होता है. बिल्कुल एडवांस के लेवल का होता है बिकॉज लिखा हुआ है जेईई नीट, सो डेफिनेटली द लेवल ऑफ एग्जाम विल बी वेरी गुड. It ranges between average to difficult, but not go easy. Yeah, because you are becoming teacher, you don't know where from where the student will ask a question. कहीं से ही पूछ सकता है. आप याद करिए, हम बच्चे थे, हम कोचिंग में पढ़ते थे, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता था, तो आप टीचर के पास जाते सर ये बता दीजिए. एग्जैक्टली. तो अब उस पोजिशन पर आप आने वाले हैं, आप टीचर बनने वाले हैं और आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. इसलिए उस लेवल का एग्जाम होता है, तभी तो वो शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे कैंडिडेट्स को. या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये तो हमने बात की जेईई और नीट की, अगर कोई 8th क्लास एक नर्चर भी तो होता है, मतलब 11 से जो नीचे वाले होते हैं, 8 टू 10 पीएनसीएफ डिवीजन की बात कर रहे हैं. या एग्जैक्टली. बस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमें पीएनसीएफ के लिए अप्लाई करना है, जिसमें लाइक प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं 6, 7, 8, तो उसके लिए भी सेम एग्जाम होता है या उसके लिए डिफरेंट हो जाता है? उसके लिए प्रोसेस सेम रहेगा, बट जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाएगा. लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईजी हो जाएगी, क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, बस यही डिफरेंस रहता है, बाकी पूरा प्रोसेस एज इट इज रहेगा. ओके, सो मे बी इट विल बी सब कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, बट मैं पूछ लेता हूँ कि जो दोनों की सैलरीज में डिफरेंस होता है लगभग? ऑब्वियसली डिफरेंस है इसमें, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है. आप आईआईटी को पढ़ा रहे हैं बिकॉज डिफरेंस फीस में भी है. या एक जेईई की फीस अलग होती है और 10th की फीस अलग होती है टीचर्स की, इसीलिए सैलरी भी मैटर करती है, डिफरेंट होती है सैलरी. नीट वालों को कुछ ज़्यादा मिलती है, जेईई नीट वालों को, और 10th वालों को जो पीएनसीएफ डिवीजन के टीचर्स रहते हैं उनको स्लाइटली लोअर सैलरी से स्टार्ट करते हैं वो लोग. ओके, सो डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बॉस आपने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हिच सब्जेक्ट यू हैव इंटरेस्ट, बिकॉज एलन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलन एंड फॉर अ फैकल्टी, स्पेशली फॉर अ फैकल्टी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप जानना, आपको पहले खुद देखना पड़ेगा कि नहीं मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ, केमिस्ट्री में भी, क्या मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों में अच्छा हूँ कि सिर्फ मैं दो में अच्छा हूँ. आपको पहले देखना पड़ेगा हाँ मैं इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ, मुझे जो आता है बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ. सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा. देन आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे बिकॉज आप टीचर बनने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो बहुत कुछ दिक्कत हो सकती है. तो आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा. आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहें, रेगुलर टच में रहें उस सब्जेक्ट के साथ में, प्रैक्टिस करते रहें. ऐसा नहीं आप डायरेक्ट ही चल जाए कि नहीं मैं बस जेईई वाले पेपर सॉल्व करने बैठ गए, मैं बन रहा हूँ टीचर, कोई क्या लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिक से स्टार्ट करें, आप अपने कोई स्टूडेंट समझें, बिकॉज अ ग्रेट स्टूडेंट्स ऑलवेज अ ग्रेट टीचर. या सो बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या सही समय है लाइक प्रिपरेशन शुरू करने का, 3rd year, 2nd year, फाइनल ईयर, कितना महीने लगते हैं? मीन्स अगर मैं सच बात कहूँ तो आपको पता होना चाहिए करना क्या स्टार्टिंग से. अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्रिपरेशन का ये टाइम है, डिपेंड्स ऑन टाइम. लाइक अ फर्स्ट ईयर में देन यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3.5 years रफली टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, प्रिपेयर फॉर द पेपर.
उस टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 12th के बाद निकलते हैं, सब मज़े में रहते हैं, तो मज़े करने हैं, इसीलिए मैंने 3.5 years बोला। उसके बाद आपको तैयार करना है कि हाँ ठीक है, स्टार्ट करनी प्रिपरेशन। फिजिक्स, जैसे मेरा फिजिक्स था तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चैप्टर्स उठाए, मैंने 9th 10th उठाई, क्योंकि फिजिक्स हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, हल्की सी लाइक NLM वगैरह, वहाँ से बेसिक 3 equations ऑफ न्यूटन वगैरह, वो फिजिक्स की स्टार्टिंग एक तरीके से, वहाँ से स्टार्ट करना है फ्रॉम दी स्क्रैच। देन आपको आगे बढ़ना है, 11th के टॉपिक्स उठाने, बेसिक्स 12th के उठाने, तो रेगुलर टच में रहते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और ये भी याद रखना है, रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक अगर हम सोच लें, जैसे बॉस ऐसा होता है ना कि हम लोग इंजीनियरिंग में, तो हम लोग का एक बड़ा फंडा चलता है, एक रात पहले घर निकाल ली, ये वो चीज़ नहीं है ना बिल्कुल, ये बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। यही चीज़ हमारा जेई के अंदर भी तो यही चीज़ है, आपको एक प्रोसेस लंबा होता है और कंटिन्यूस आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग वाला सीन बहुत अलग रहता है, एक रात भी ज़्यादा होता है किसी किसी के लिए, सो मॉर्निंग वाले भी काफ़ी बच्चे लाइक इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली। सो बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम लोगों ने भी प्रिपरेशन की, जेई की, नीट की है ना, तो हमारे पास कॉन्टेंट होता है, तो क्या वो कॉन्टेंट अगर कर लिया जाए तो मोर देन सफिशियंट है या चलो काम चल जाएगा? लाइक हमारे पास शीट्स होती हैं, नोट्स होते हैं हमारे बनाए हुए, तो उसके लिए एक्चुअली देखा जाए तो सफिशियंट है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही कंसेप्चुअल जाना तो आपको, मैं प्रेफर करता हूँ कि जो बेसिक बुक्स आती है वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक्स होगी, बिकॉज क्या है ना, वो उन्होंने बनाए हैं एकदम टॉपर लेवल के, AIR 1 लेवल के, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे अच्छा स्कोर करें, रैंक निकालें। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं मैं एकदम से इतना नहीं कर सकता, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लाइफ फ्रॉम 9th 10th। Then and if you complete all the sheets like including O1, O2, S1, S2, if you know, if you are a coaching student, yeah, I know. Okay, that's great. So if you know about it, हाँ मैं पता है कि अगर हमने ये कर लिए comfortably तो हाँ हमें कोई नहीं रोक सकता, we are good. So like basically आप NCERTs उठा लो, बस 9th 10th तो फिर बहुत ज़्यादा basic नहीं हो गया, like 11th 12th is also ना more than sufficient. We know that मजबूत जब building खड़ी करने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, तो वो नींव का काम करती है, उसको कोई देखता नहीं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंस रखती है जितने बाहर जो हमें दिख रहा है उतना रखती है। दैट्स अ ग्रेट आंसर बॉस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिथ्स अबाउट द कोचिंग लाइफ वर्सेस कॉर्पोरेट लाइफ? मैं पर्सनली कुछ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। ऐसा कहा जाता है जब हम कोचिंग लाइफ की बात करते हैं ना, कोटा कोचिंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि यहाँ बड़ी डिप्रेसिंग लाइफ है टीचर्स की, है ना, कॉर्पोरेट में ज्यादा खुश रहता है, यहाँ डिप्रेसिंग होता है बिकॉज बोरिंग काम है, सुबह से शाम तक आप पढ़ाते रहते हो, डाउट काउंटर पर जाते हो, तो ये एक मिथ है या सही बात है? आपके क्या व्यूज है? मेरे व्यूज़ है, मेरे मिक्स व्यूज़ है। मिक्स व्यूज़ कैसे? मिक्स मतलब मेरे लिए नहीं, मैं बात करता हूँ पीपल्स के। लाइक कोई है कोचिंग, वो इसलिए पढ़ाने आ गया, हाँ ठीक है मैं पढ़ा लेता हूँ ये सब्जेक्ट, हाँ ठीक है मैं नौकरी कर लेता हूँ एक तरीके से। टीचिंग नौकरी वाला काम नहीं है, नौकरी मीन्स आपको पैशनेट होना पड़ेगा, नहीं मैं ये पढ़ाना है, मुझे इस बच्चे से बात करनी है, ये कैसे काम नहीं करा। आप देखेंगे जो भी टीचर्स होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं, जो काफ़ी फेमस टीचर हैं, हम जानते हैं, हम सब अपने कोचिंग लाइफ में हमने देखे हैं फेमस टीचर्स कौन है, क्या नाम है उनके, तो वो क्या है, वो काफ़ी इंट्रैक्टिव रहते हैं, वो अपने एज ए पैशन पर पैशनेट होकर पढ़ाते हैं, वो ये नहीं देखते कि नहीं ठीक है पाप काट दिया चलो ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं होती है, हमें पैशनेट होना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट लाइफ के मुकाबले देखा जाए तो कुछ डिफरेंसेस है, लाइक इन कॉर्पोरेट लाइफ यू हैव टू सिट फॉर 10 hours इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, इन कोचिंग लाइफ यू हैव टू गो इन अ क्लास, यू हैव टू इंट्रैक्ट विद द स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व देयर डाउट्स, कंटिन्यूस आपके दिमाग में बात चलती रहती है। मैं ये नहीं कहता कोई लाइफ अच्छी है कोई लाइफ बुरी है, सबके अपने अपने प्रोज है, सबके अपने में कौन से, आपको ये पहचानना है कि आपके लिए कौन सी लाइफ सही है और आप किस में ग्रो कर सकते हो। ओके, सो बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट विल यू प्रेफर, लाइक कोचिंग लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ? वेल इफ यू टॉक अबाउट मी, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे इंटरेक्ट करना काफ़ी पसंद है अलग अलग जनों के साथ, मुझे इंटरेक्ट करना काफ़ी पसंद है उन स्टूडेंट्स के साथ में। लाइक मैं अभी हाल पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी पढ़ाने स्टार्ट नहीं कराया, बट स्टिल मैं मेरे फादर का स्कूल है वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। क्यों पढ़ा रहा हूँ? ज़रूरत नहीं है मुझे वहाँ पढ़ाने की, बट मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है बच्चों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है मेरे पास आते हैं, या सर वी आर कम्फर्टेबल नाउ, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी, तो उसकी खुशी एक अलग मिलती है। तो ये डिपेंड करता है हर पर्सनैलिटी के ऊपर कि वो क्या प्रेफर करता है। सम पीपल आर कम्फर्टेबल इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर 10 hours बिकॉज या देर अफेयर के हाँ ठीक है मैं कर लूँगा इस चीज़ में, तो इट डिपेंड्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टेल अस समथिंग अबाउट योर पैकेज एंड ऑल द लाइक जो पूरा रेवेन्यू होता है, लाइक अलग अलग टायर्स में जो पड़ता है, वो थोड़ा बताएं आयरलैंड के बारे में। इन आयरलैंड देर आर 3 tiers, लाइक इन tier 1 IIT दे कंसिडर IIT, इन tier 1 जिसके अंदर जो पैकेज देता है वो रहा है 50k per month स्टार्टिंग इन ट्रेनिंग पीरियड। आफ्टर दैट tier 2 जो होता है उसके अंदर होता है NITs और बाकी के कॉलेजेस, जो कि काफ़ी अच्छे कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेजेस हैं, हम सब नाम जानते हैं उनका, उनके लिए होता है 40k per month ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। फिर tier 3 कॉलेज आते हैं जिसके अंदर सारे कॉलेज इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर वो लोग 30k pay करते हैं स्टार्टिंग के अंदर ट्रेनिंग पीरियड में। बट या
आई कैन अश्योर यू वन थिंग, उसके बाद में कोई भेदभाव नहीं होगा. उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस है, आपका फीडबैक है, आपकी मेहनत है, उसके ऊपर मतलब इसका इज द लिमिट. आपकी ग्रोथ है, क्या आपकी ग्रोथ है, आप कितना क्या परफॉर्म कर रहे हो, बच्चे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आप कितना टाइम दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. ओके सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मेरा पर्सनल मानना है वो ये है कि अगर हम कंपेयर करें, वैसे नहीं करना चाहिए बट फिर भी अगर हम बात करें कि कोचिंग लाइफ वर्सेस कॉर्पोरेट लाइफ, तो कोचिंग लाइफ में आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप डाउट काउंटर्स पे बैठे हो, आपका जो सब्जेक्ट आपका जो मन पसंद है वो आप पढ़ा रहे हो, तो ये आपका सेफ साइड हो गया. बट अगर हम कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फील्ड की बात करें तो आपके पास 10 घंटे हैं, एक लैपटॉप है, आपको कोडिंग करनी है. सो मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग लाइफ इज द लाइक बेटर वन, एंड आपके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मी कोचिंग लाइफ इज अ बेटर वन, but as I said earlier also it depends on individual yeah, totally yeah. So my next question is कि बॉस क्या होता है कि हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, और हम कर रहे होते हैं फाइनल ईयर से, बट बहुत सी बार अभी जो टाइम आ चुका है लाइक अब आप लोग के बंद होने वाले ना, अब क्लोज हो जाएंगे आप लोग की वैकेंसीज, अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं लगा प्लेसमेंट ही नहीं लगी, एक कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन रहता है बिकॉज आपके आस पास के आपके दोस्त है, आपका ग्रुप है, आपकी कम्युनिटी प्लेस हो जाती है और आप रह जाते हो, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? ऐसे कहा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में फील करा था बिकॉज जो पहली कंपनी विजिट करी थी उसमें मेरा नहीं हुआ था कॉलेज के अंदर, तो वो एक हल्का सा फीलिंग स्टार्ट हो गया था कि यार कुछ साथ वाले लग गए मैं नहीं लगा. बट ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से भी हम सुनते, ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ कर रखा है. आप बस तैयारी करते रहो, आप देखते रहो कि हाँ, बस ये याद रखना उस टाइम पर आते हुए फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है कि मैं इसमें ही ग्रो करना चाहता हूँ. आप कंटिन्यूस देते रहें, पेपर प्रैक्टिस करते रहें, जो आपकी स्किल्स उस पर वर्क करते रहें, हर कंपनी के पेपर दें, ऐसा नहीं ये कंपनी तो ये मेरे लेवल की कंपनी नहीं है, लेवल कुछ नहीं होता है, आपको एक अच्छी स्टार्टिंग चाहिए, हो सकता है कंपनी आपको एक स्टार्ट दे दे, तो बस आपको इसे प्रिपेयर करने देना है. और जो दोस्त प्लेस हुए उनसे जेलस होके ऐसा नहीं कि यार तुम प्लेस हो गए, मैंने उनसे आपको सीखना है कि यार तुमने ऐसा क्या करा जो तुम चले गए मैं रह गया, ये चीज़ मुझे बताओ, फिर वो आपकी हेल्प करेंगे. इस तरीके से हेल्प करके आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, कैरेक्टर डेवलप करना है, स्किल्स डेवलप करनी है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फिर जो आप निकलोगे ना बन के, फिर आपके मुकाबले में कोई नहीं होगा जो प्लेस हो गए वो भी. या सो बॉस, आपने अभी बीच में एक बात बोली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मेरे साथ कुछ हुआ था लाइक जो आपने कहा ना, अगर आपको किसी को देखो आपको लगता है कि जॉब लग गई, तो आप जलन जेलस होने से बड़े आप सीखो जा करके. तो मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं फर्स्ट ईयर में था, अपने एक सीनियर थे, उनकी बॉडी बहुत शानदार थी, मतलब बहुत अच्छे थे वो, फिट थे अच्छे, तो आई वाज लाइक कि मेरे को भी हुआ थोड़ा जेलसी है ना, वो रिलेशनशिप में थे तो हम भी फर्स्ट ईयर, अब एक तो जेलसी वाला सीन हुआ. फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, मैं अगले दिन उनके पास गया, मैंने बताया कि बॉस आपकी बॉडी अच्छी मुझे कुछ बताओ, तो फिर लाइक फिर तो कोविड आ गया. कोविड के बाद जब मेरी बीच में फिर बात हुई तो उन्होंने मुझे गाइड किया. सो 89 केजीज था मैं और अभी 67 हुआ, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से जेलस हो रहे हो उससे बड़े जाके उससे बात कर लो, उससे सीख लो ना, सिखा देगा. ऑब्वियसली वो कहीं तो बेटर रहा है आपसे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि यार कहीं उसने मेहनत करी है जहाँ मैं रह गया, तो वो सीखने वाली बात है. अगर तुमने फिजिकल की बात करी आपने, तो मैं मेरी बता देता हूँ, मैं 93 केजीज का था और मैं भी देखता था कि नहीं यार, मोटिवेशन खुद से आया मेरे अंदर. एग्जैक्टली, आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, वो लास्ट ऑप्शन है. आप खुद से मोटिवेट हो गए तो आप किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सारे बाबा लोग बैठे रह जाएंगे. ओके सो थैंक यू सो मच बॉस फॉर योर टाइम, एंड बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके. वेरी मच, एंड आई होप ऑडियंस आप सभी को भी पसंद आया होगा इंटरव्यू. आप कुछ कहना चाहोगे? मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, आप बस याद रखें कि आपका जीवन में मोटो क्या है. कोई आपसे कहता है कि आप ये करो वो करो, आप मत करो, आप ये याद रखो कि मैं ये करूँगा, मैं इसमें अच्छा हूँ और ये मैं कर सकता हूँ. क्योंकि एट द लास्ट आप सक्सेसफुल हो गए ना, तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई ये नहीं पूछेगा आपने कैसे करा, आप कहाँ हो सब उसी को पूछेंगे. कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग और मैनी थिंग्स ऑल्सो, बट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू अचीव अ सक्सेस एट द लास्ट. या सो बॉस, अब आपने आप इतना अच्छा कन्वर्सेशन जा रहा, मेरी इच्छा नहीं इंटरव्यू रोकने की, तो एक और क्वेश्चन. तो अभी जैसे आपने एक बात कही कि आपको जिस फील्ड में जाना है आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड जाओ, तो मेरे पास एक कल क्वेश्चन आया था Q&A पे, तो उन्होंने कहा था कि बॉस मेरा फील्ड टेक नहीं है, बट जो अभी जो लाइक पेरेंट्स हैं सोसाइटी वो ये कहती है टेक जॉब्स हैं टेक जॉब्स हैं, तो मुझे करनी पड़ेगी. तो उसके लिए कोई टिप की तू जा भाई टेक में जाए, या तो फिर तेको जहाँ जाना है वहाँ जा. एक्चुअली उसके अंदर टिप तो एज सच मेरे पास टिप तो क्या है, मैं कोई इतना बड़ा इंसान तो हूँ नहीं अभी भी, लेकिन उससे एक चीज़ मैं मानता हूँ अभी यार, अगर पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को समझाने से भी पहले उसको खुद को समझना चाहिए कि चले ठीक है तेरे को टेक जॉब नहीं करनी, हाँ ठीक है यार कंफर्टेबल नहीं करनी मुझे टेक जॉब, लेकिन आपको देखना पड़ेगा फिर आप करना क्या चाहते हैं. ये नहीं करना तो आप करना क्या चाहते हैं, आप उस चीज़ पे ध्यान दें, वो चीज़ लेके पेरेंट्स के पास जाके मैं इसमें ग्रो नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ, मैं इसमें ग्रो करूँगा, एंड दे विल अंडरस्टैंड यू, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू, बिकॉज आप भाई बेटे तो उन्हीं के हो,
बेटे बच्चे उन्हीं के, तो वो तो आपकी बात मानेंगे सर ही। एग्जैक्टली। लेकिन आप उन कह रहे हैं तो आप देखें बस, और कुछ भी नहीं है, बस ध्यान दें आप कि हाँ मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ। उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोशिश ही सक्सेसफुल होती है लास्ट में। ऑर्डर तो आप कर नहीं सकते पेरेंट्स को। एग्जैक्टली। सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच बॉस।